हिमाचल किसान सभा के बैनर तले स्थानीय मांगों को लेकर मंगलवार को किसानों ने मछियाल में किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष कुशाल भारद्वाज के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किए। इसमें 9 महीने पहले तोड़े गए पुल का निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाने, अस्थायी लकड़ी के पुल की मरम्मत तथा गली सड़ी लकड़ी को बदलने, क्षेत्र के किसानों को लावारिस पशुओं व जंगली जानवरों से मुक्ति दिलाने सहित कई मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। इस अवसर पर कुशाल भारद्वाज ने कहा, यहाँ पर बुलाया जाता है लोगों को, विधायकों को माला पहनाई जाती है, सारे के सारे महिला मंडल अपना बैनर लेकर के जाते हैं, जैसे पता नहीं कौन सा वहाँ पे जो है मेला लगा हुआ है, लेकिन जब आप बोलेंगे अपनी मांगों के लिए आओ तो वो बैनर गायब हो जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, 9 महीने पहले ये पुल तोड़ा गया है, इसका निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं हुआ है, मैक्सिन से मिला, एससी से मिला, पीडब्ल्यूडी महकमे के, और मालूम चला उन्होंने जी बड़े जल्दी शुरू हो जाएगा सर, हमने कहा शुरू नहीं होगा तो हम जो है ये जो स्थायी पुल बनाए हैं इसके ऊपर बैठ करके ट्रैफिक जाम करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों को इस पुल की आवाज से तकलीफ होती है वो लड़ने के लिए तैयार हैं। हम तो तब लड़ेंगे अगर वो जनता जो त्रस्त है, जिस जनता के कानों में आवाज गूंजती है दिन और रात, अगर वो लड़ने के लिए तैयार है तो कुशाल भारद्वाज एक नहीं 100 मुकदमे भी बनेंगे तो मैं उसके लिए तैयार हूं, पहले भी बने हमारे ऊपर आगे भी बनेंगे। लेकिन आप ये सोचे कि माला पहना करके आपका पुल बन जाएगा वो होने वाला नहीं है। हमने बोला ये जो पुल के ऊपर लकड़ी लगाई है गली सड़ी लकड़ी है, हिमाचल में कोई ऐसा पुल नहीं है अगर एंगल आयरन के और उसके ऊपर लकड़ी बिछाई गई है जो इतनी आवाज करता हो, तो फिर पुल क्यों? क्योंकि गली सड़ी लकड़ी लगाई गई है और जैसे ही कोई गाड़ी गुजरती है तो बहुत आवाज होती है। टैक्सी साहब ने बोला कि नहीं सर, हम बहुत जल्दी नई लकड़ी मंगा रहे हैं, वो लगा देंगे। महाराष्ट्र से बताया, पता नहीं पुणे या कहां से कोई स्पेशल जो हमने बांधने का कोई वो मंगाए इसमें, वो लगा देंगे। लेकिन 1 महीना गुजर गया अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हम लोगों को बोलना चाहते हैं, ये जो ठगबाजी चल रही है इस ठगबाजी से बचना है। अगर आप लड़ेंगे नहीं, अगर आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जोगिंदर नगर से अमित सूद।